वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बालाजी कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम जो हरियाणा मिशन हमने 1000 क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, उसी मिशन को हम आगे बढ़ाते हुए जो 200 क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं, अब हम आपको 201 से 250 तक 50 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप नोट्स बनाते रहें, अपने कॉपी में लिखते रहें, या वीडियोज हैं वीडियोज को आप बार बार देखें, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लें। जो भी जिस तरीके से आपको करना है वो आप फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करने। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे हमें भी हिम्मत बढ़ती है इसे वीडियो बनाने की, कि हाँ हमारे सब्सक्राइबर आ रहे हैं। कहीं हम वैसे ही अपना टाइम तो खराब नहीं कर रहे, लेकिन जैसे आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमें लगता है हाँ कि लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, और वीडियो बनाने की एक प्रेरणा मोटिवेशन खुद ब खुद मिलती है। तो इसी अभियान के तहत हम अपना पहला क्वेश्चन लेके आए हैं, हरियाणा में बलबन का राज्य कब से कब तक रहा। तो हरियाणा में बलबन का राज्य 1566 से 1587 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का आगमन कब हुआ। तो खिलजी वंश का आगमन आपका 1290 में हुआ। खिलजी वंश का आगमन 1290 में। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। 1296 से 1316 ईस्वी तक। तैमूर ने आक्रमण कब किया। तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 में। तैमूर ने आक्रमण 1398 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ। तो 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में कब, 1526 में। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में आपके बाबर की विजय हुई। बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा। 1526 से 1530 तक। बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा, 1526 से 1530 तक। मोहन सिंह मंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह कब किया, 1530 में। मोहन सिंह मंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह किया था 1530 में। हरियाणा राज्य में ट्री कवर कितने क्षेत्र पर है, 1282 वर्ग किलोमीटर पर। हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वृक्ष आवरण है, 2.90 पर। हरियाणा के किस शहर में हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम है, तो वो है रेवाड़ी। हरियाणा के रेवाड़ी में हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना चालू हालत में रेल इंजन कौन सा है, फेरी क्वीन। हरियाणा में गठित गो सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो हरियाणा में गठित गो सेवा आयोग का अध्यक्ष मनीराम मंगला को नियुक्त किया गया है, मनीराम मंगला। तो आपको याद रखना है, ठीक है। हरियाणा में पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, जिसमें मराठों की पराजय हुई, 1761 में। तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ था पानीपत की भूमि में, और जिसमें विजय किसकी हुई थी, अहमद शाह अब्दाली की, और मराठा बुरी तरह से पराजित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी हरियाणा के किस नगर को बनाई थी। तो थानेसर को बनाई थी। तो महाराणा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी हरियाणा के किस नगर को बनाई थी, थानेसर को। महाराजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर कब बनाई, 606 में। महाराजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर 606 ईस्वी में बनाई। महाराजा हर्षवर्धन का साई कवि कौन था, बाणभट्ट। महाराजा हर्षवर्धन का साई कवि कौन था, बाणभट्ट। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो थे आपके गणितक कौन थे, तो गणितक बाणभट्ट नहीं थे, बाणभट्ट एक कवि थे। तो गणितक जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, और उन्होंने काफ़ी बड़े गणितज्ञ, बाणभट्ट आपके क्या है, कवि रहे हैं। महाराजा हर्षवर्धन की आत्मकथा थी हरश्चरित्रम। हरश्चरित्रम आपकी महाराजा हर्षवर्धन की आत्मकथा थी। हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र
जिले के किस स्थान पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया? ज्योतिसर सरोवर में। तो दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, गला अत्यधिक ख़राब होने की वजह से मैं आपको पूरे 50 क्वेश्चन करवाने में असमर्थ हूँ। बिल्कुल गला काम नहीं कर रहा है, आप भी देख रहे होंगे वॉल्यूम किस प्रकार से। बिल्कुल मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि गला इतना ख़राब हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वीडियो है मैं आपके लिए बहुत जल्दी पोस्ट करूँगा, आज ही बनाऊँगा मेडिसिन लेके, थोड़ा सा जैसे ही स्थिति में सुधार होता है तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके सामने बना के पेश करूँगा। लेकिन मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ये मैं आपको पूरी वीडियो नहीं बना पाया, तो मुझे माफ़ करना फ्रेंड्स। लेकिन मैं बहुत जल्दी आज ही इस वीडियो को, जैसे ही मुझे थोड़ा सा गले में आराम होता है, तुरंत इस वीडियो को बना के आपके सामने पेश करता हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट। लेकिन तब तक आप ये 20 क्वेश्चन जो मैंने आज करवाए हैं आप इनको कर ले अच्छे तरीके से। और भी काफ़ी सारे अपने पास क्वेश्चन हैं, पीछे भी जो हरियाणा जी के हम क्वेश्चन करवा चुके हैं 200 क्वेश्चन, वो वीडियो भी तीनों पार्ट आप देख ले, और इस पार्ट को भी अच्छे तरीके से देख ले और अपने नोट्स बना ले अच्छे तरीके से। तो जो 1000 मिशन क्वेश्चन है हमने ऐसे सेलेक्ट किए हैं कि जो 1000 क्वेश्चन, ये नहीं कि मैं 1000 के अलावा नहीं कराऊँगा, वो भी कराऊँगा, ठीक है? तो आप चिंता ना करें। तो अब मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं ले सकता। बाय फ्रेंड्स।